इंडिया में वैक्सीनेशन के फोर्थ फेज की शुरुआत हुई 1 मई को, जहां पे 18 ईयर्स के ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। पर आप में से कई लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट करके बताया कि आप लोगों के एरिया में वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, किसी का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, या किसी किसी स्टेट में अभी भी 18 से 45 ईयर्स वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। एंड वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि हमारे पास पॉपुलेशन के हिसाब से वैक्सीन्स की कमी है, एंड इवन गवर्नमेंट एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज आर अवेयर अबाउट इट। अभी तक इंडियन सिटीजन्स के लिए 2 वैक्सीन्स अवेलेबल थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जहाँ पे कोविशील्ड बेस्ड है ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका मॉडल पे और इंडिया में बनाई और मार्केट करी जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहीं कोवैक्सीन कम्प्लीटली इंडिया में डेवलप करी गई है हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक के द्वारा। पर इस अवेलेबिलिटी में एक और वैक्सीन का इजाफा हुआ है जिसका नाम है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी जो कि एक रशियन वैक्सीन है, इंडियन सिटीजन्स के लिए जल्द ही अवेलेबल होगी। 1 मई को रशियन वैक्सीन की 1.5 लाख डोज ऑलरेडी हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को डिलीवर करी जा चुकी हैं, जो इंडियन पार्टनर है स्पुतनिक वी के। इसके बाद डॉक्टर रेड्डी मैंडेटरी अप्रूवल लेंगे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली से इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के पहले। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मंथ के एंड तक 30 लाख डोजेस ऑफ स्पुतनिक वी और डिलीवर करी जाएंगी इंडिया में। इंडिया के रशियन एम्बेसडर निकोले कुदाशेव ने ट्वीट करके कहा कि रशिया इस कोविड पैंडेमिक को रोकने के लिए इंडिया के साथ बायलेटरल और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के लिए तैयार है। एक और ट्वीट में उन्होंने बताया कि स्पुतनिक वी का लोकल प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाला है, जिसके बाद इस वैक्सीन की 850 मिलियन डोजेस पर ईयर डेवलप करी जा सकेंगी। इसके पहले 12 अप्रैल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने रेगुलेटरी अप्रूवल या ये कहें रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑथराइजेशन दिया था स्पुतनिक वी को। स्पुतनिक वी को ओरिजिनली डेवलप किया गया है रशिया के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा। हालांकि वैक्सीन की इंटरनेशनल सप्लाईज को प्रोड्यूस किया जाएगा बाकी कंट्रीज में मौजूद रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के इंटरनेशनल पार्टनर्स के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में इस वैक्सीन को मार्केट किया जाएगा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा, पर RDIF ने अदर इंडियन कंपनीज के साथ भी टाई अप किया है, जैसे कि हेट्रो बायोफार्मा, ग्लैंड फार्मा, स्टेलिस बायोफार्मा, विर्को बायोटेक, और कोलैबोरेशन का मेन एम होगा लगभग 850 मिलियन डोजेस डेवलप करना स्पुतनिक वी की हर साल हमारी कंट्री में। इस सबसे पता लगता है कि आने वाले वक्त में स्पुतनिक वी एक बड़ा हिस्सा रहने वाला है हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव का। पर ऐसे में आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ सकता है, क्या स्पुतनिक वी बेटर है बाकी 2 वैक्सीन से? क्या मुझे अपने एरिया में स्पुतनिक वी की अवेलेबिलिटी का वेट करना चाहिए? या फिर इससे उलट, क्या स्पुतनिक वी में कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो मुझे वैक्सीन लेने से पहले कंसीडर करने चाहिए? या फिर तीनों ही वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी में कुछ फर्क है ही नहीं? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हियर इज द लिंक, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है। इवन जब हमारे सामने पहली बार कोविशील्ड और कोवैक्सीन आई, तब भी हम में से कई लोग डाउटफुल थे कि कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। एंड ये डाउट इतना कॉमन था कि इस बात को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को अपने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के सेक्शन में आंसर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन के बीच कोई हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं है, तो कोई भी एक वैक्सीन को दूसरे के ऊपर चूज नहीं किया जा सकता। दोनों ही वैक्सीन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में और किसी इंसान को डिजीज के सीवियर स्टेट में जाने से बचाएंगी, और लॉन्ग टर्म में ये एल्डर सिटीजन्स या ऐसे पेशेंट्स जिन्हें ऑलरेडी कोई सीवियर बीमारी है उनको डेथ से बचा सकती हैं अगर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एंड नाउ देयर इज 1 मोर वैक्सीन, एंड मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट का जवाब भी इस बार एकदम सिमिलर होगा फॉर द कंपैरिजन ऑफ 3 वैक्सीन्स। पर क्या इसका मतलब ये है कि तीनों ही वैक्सीन एकदम सिमिलर हैं और एक ही तरीके से बनाई गई हैं, और क्या इनके एफिकेसी रेट भी सेम है? तो इसका जवाब है नहीं। तीनों ही वैक्सीन की डेवलपमेंट से लेके उनकी डोज दिए जाने की जर्नी अलग अलग है। बात करें कोविशील्ड की, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और ये वैक्सीन बेस्ड है सेम पेटेंट टेक्नोलॉजी पे जो एस्ट्राजेनिका वैक्सीन ने यूज़ की है UK में। ये वैक्सीन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो चिंपैंजीज में पाए जाने वाले एडिनो वायरस को वीक करके बनाई गई है। जबकि इंडिया में बनी कोवैक्सीन एक ट्रेडिशनली मेड वैक्सीन है, जिसे हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए डेड कोरोना वायरस को यूज़ किया गया है। इसके बाद बात आती है इंडियन सिटीजन्स के लिए यूज़ की जाने वाली नई वैक्सीन स्पुतनिक वी की। तो ये भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो कोल्ड टाइप वायरस को यूज़ करती है एज अ कैरियर, इंजीनियर्ड करने के बाद, ताकि वो हार्मलेस हो जाएं। इसके बाद बॉडी को ये कैरियर स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ कोरोना वायरस डिलीवर करते हैं। इसके बाद बॉडी एक्सपोज हो जाती है वायरस के एक जेनेटिक कोड के पार्ट के सामने, और इस तरीके से हमारी बॉडी रिकोगनाइज करना सीख जाती है कोरोना वायरस को। तब तक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रेडी हो चुका होता है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। इन तीनों ही वैक्सीन की 2 डोज लेनी होंगी। कोविशील्ड के केस में पहली और दूसरी डोज के बीच में 6 to 8 weeks तक का डिफरेंस हो सकता है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज से 4 to 6 weeks के बाद दी जानी चाहिए।
जबकि स्पुतनिक वी की दो डोजेस के बीच में 21 डेज का डिफरेंस रिकमेंडेड है। पर बाकी वैक्सीन और इस वैक्सीन की दो डोजेस के बीच में कुछ डिफरेंस है। स्पुतनिक वी फर्स्ट एंड सेकेंड डोज के लिए दो अलग अलग वेक्टर्स यानी कैरियर्स को यूज करता है। ये दोनों ही कैरियर कोरोना वायरस के डिस्टिंक्टिव स्पाइक को अटैक करते हैं। दो अलग अलग वर्जन ऑफ वैक्सीन को यूज करने के पीछे का आइडिया ये है कि दो डिफरेंट फॉर्मुलाज बॉडी को ज्यादा बेहतर तरीके से इम्यून करेंगे एज कम्पेयर टू यूजिंग द सेम वर्जन ट्वाइस। स्टोरेज की बात करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सिमिलर कंडीशन में स्टोर किया जा सकता है जो कि 2-8 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, पर स्पुतनिक वी को लिक्विड फॉर्म में -18.55 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, जबकि ड्राई फॉर्म में इसे भी 2-8 डिग्री सेल्सियस तक की जरूरत होती है। प्राइसेस की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को 400 रुपीस और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपीस पर डोज देने होंगे, पर बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इसका प्राइस 100 रुपीस कम करके 300 रुपीस कर दिया गया। इसका मतलब स्टेट्स को 600 रुपीस देने होंगे एक सिटीजन के कंप्लीट वैक्सीनेशन के लिए, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ये प्राइस 1200 रुपीस होगा। वहीं बात करें कोवैक्सीन की तो इसके प्राइस में भी चेंजेस आए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसके प्राइस 600 रुपीस पर डोज रहने वाले हैं, पर बाद में 200 रुपीस घटा के 400 रुपीस कर दिए गए, पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अभी भी प्राइस सेम रहने वाला है जो कि 1200 रुपीस पर डोज है। स्पुतनिक वी के प्राइसेस अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए हैं, पर ग्लोबली इसका प्राइस लगभग $10 यानी अप्रॉक्सिमेटली 750 रुपीस पर डोज है। पर इसमें से हमको कितने पैसे देने होंगे, तो ज्यादातर स्टेट्स ने अनाउंस कर दिया था कि 1 मई से शुरू हुई थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन में 18-45 ईयर वाली पॉपुलेशन को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएंगी गवर्नमेंट फैसिलिटीज में। पर कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जिन्होंने वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर शिकायत करी थी। ऐसे स्टेट्स में वैक्सीन के प्राइसेस को लेकर अभी के लिए डाउट है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल से भी वैक्सीन लगवा सकते हैं जहां आपको स्पेसिफिक वैक्सीन और हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होगा। अब फाइनली बात आती है एफिकेसी की, एक्यूरेसी की, और वैक्सीनेट होने के बाद आप किस हद तक इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यून हो सकते हैं। कोविशील्ड ने लास्ट ईयर नवंबर में अपने ट्रायल्स को कंप्लीट किया था जिसमें उसका एफिकेसी रेट 70% आया था। हालांकि कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में ये बात कही जा रही है कि एफिकेसी रेट काफ़ी बढ़ जाता है अगर फर्स्ट एंड सेकेंड डोज के बीच 2-3 मंथ्स तक का गैप रखा जाए, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की रिकमेंडेशन के बाद कोविशील्ड की दो डोजेस के बीच का डिफरेंस बढ़ा दिया था। वहीं इंडिया में बनी कोवैक्सीन जो इस वैक्सीन की रेस में एक लेट एंट्री है, उसने फरवरी के एंड तक अपने मेजर ट्रायल्स खत्म कर लिए थे और इंटरिम रिजल्ट्स और क्लिनिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एफिकेसी 78% है। इसके अलावा कुछ क्लिनिकल एविडेंसेज हैं जो सजेस्ट करते हैं कि कोवैक्सीन इन्फेक्शन की सीवियरिटी को और मोर्टेलिटी रिस्क को 100% तक कम कर सकता है। स्पुतनिक वी की एफिकेसी इन तीनों वैक्सीन में सबसे ज्यादा है। फरवरी में इस वैक्सीन के फेज 3 का इंटरिम डेटा सामने आया जिसमें इसकी एफिकेसी 91.6% आई। इस वैक्सीन के ट्रायल में 19,866 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया था जिन्हें फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ऑफ स्पुतनिक वी दी गई, जिसके बाद फाइनल कंट्रोल पॉइंट में 78 कन्फर्म कोविड-19 के केसेज आए। सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट, एफिकेसी एंड द एक्यूरेसी रिलेटेड टू द वैक्सीन, हम सब अब शायद वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं। पर क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन लेने के बाद? बाकी वैक्सीन की ही तरह कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के भी कुछ जनरल और स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, जिसमें कि इंजेक्शन साइट के आसपास पेन, फीवर, सर दर्द, जी मिचलाना, पेट में दर्द, चक्कर आना जैसे सिम्टम्स इंक्लूडेड हैं। कोविशील्ड के केस में इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज ने इसको लगातार घेरे में रखा है। जब कोविशील्ड की इनिशियल फेज की टेस्टिंग चल रही थी तब कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स देखने में नहीं आ रहे थे, पर बाद में कोविशील्ड यानी एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन के यूज के बाद कई देशों में ये पाया गया कि कुछ केसेस में ब्लड क्लॉटिंग और लो प्लेटलेट काउंट की प्रॉब्लम देखी जा रही है, और कुछ बहुत ही रेयर केसेस में कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी देखे गए। इसके बाद कंट्रीज जैसे डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने टेम्परेरी बैन भी लगाया है ऑक्सफर्ड की एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के ऊपर जो हमारे यहाँ कोविशील्ड के नाम से मार्केट करी जा रही है। पर दोस्तों, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ब्लड क्लॉटिंग वाले साइड इफेक्ट के डर से कोविशील्ड को ऑप्ट ना करें, क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 लाख वैक्सीनेटेड लोगों में ये ब्लड क्लॉटिंग वाला सीवियर सिम्टम सिर्फ एक इंसान को होने की पॉसिबिलिटी है। बात करें कोवैक्सीन की तो अभी तक ऐसा कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिला है, हालांकि अर्ली गाइडलाइंस में कोवैक्सीन को लेस सेफ कहा गया है प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। स्पुतनिक वी की बात करें तो लगभग ऐसी 60 कंट्रीज हैं जहां पे ये वैक्सीन ऑथराइज है, जब ब्राजील के हेल्थ रेगुलेटर्स ने स्पुतनिक वी को रिजेक्ट कर दिया। ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी जिसका नाम एनवीसा है, एक 5-member कमेटी बनाती है फॉर अप्रूवल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ 30 मिलियन डोजेज ऑफ रशियन स्पुतनिक वी वैक्सीन।
इसी 5 मेंबर के बोर्ड ने इस रिक्वेस्ट को खारिज करते हुए कहा कि इस वैक्सीन की डेवलपमेंट में करी जाने वाली सभी क्लिनिकल स्टडीज में फॉल्ट है और जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो भी सफिशियंट नहीं है। इसके बाद कुछ जियोपॉलिटिक्स भी शुरू हुई। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने एक 3 पेज का स्टेटमेंट इशू किया जिसमें यह साफ कहा गया कि दर्जनों रेगुलेटर्स ने स्पुतनिक वी को अप्रूव किया है और एनवीसा का ये डिसीजन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। और साथ ही साथ यूएस के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए कि यूएस ने ब्राजील को कन्विंस किया है रशियन वैक्सीन को ना खरीदने के लिए। बट इस केस में भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, हमें अपने रेगुलेटर्स पे पूरी तरह भरोसा होना चाहिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट, DCGI और बाकी कंसर्न अथॉरिटीज़ ने इसको अप्रूव किया है तो इसके रिस्क और ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के बाद ही किया है। दोस्तों, इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे देश की स्थिति इस वक्त कंसर्निंग है, पर इस कंसर्निंग स्थिति का इस वक्त सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वैक्सीनेशन। कुछ बहुत ही रेयर केसेस हैं जहां पे कि इंडिविजुअल के वैक्सीनेशन को मॉनिटर करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि वैक्सीन असरदार साबित होगी या नहीं, या फिर आप एक वैक्सीन के ऊपर दूसरी वैक्सीन को तवज्जो दे रहे हैं, तो ये एक बहुत समझदार डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही वैक्सीन के सीवियर साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं। और वैक्सीन ना लेने से आप सिर्फ खुद के लिए खतरा नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम वैक्सीनेशन की प्रोसेस को डिले करेंगे तो वायरस को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने नए स्ट्रेन्स को डेवलप कर पाए, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। सो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराएंगे। हाँ, अभी वैक्सीन की थोड़ी सी कमी है, पर ये वक्त है पेशेंस दिखाने का। अपने आप को रजिस्टर कराएं और जब भी आपको स्लॉट मिले तो वैक्सीन लगवाने जरूर जाएं, ताकि हम एक देश के तौर पे अपनी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीनेट करा सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।